नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आईएल T20 के दूसरे सीजन में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिडिक्शन और प्रीव्यू एक और धमाकेदार मुकाबले की, एमआई एमिरेट्स वर्सेस दुबई कैपिटल्स, जो कि अबू धाबी में खेला जाने वाला है। ये ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच, आखिरी दिन है जिसका ये सेकेंड लास्ट मैच होगा, जिसमें पता चल जाएगा कि टॉप फोर टीमें कौन सी क्वालिफाई करने वाली है। चंद्रेश, दोनों ही टीमों के लिए बातें तो अच्छी है, लेकिन इस मोड़ पर अब दोनों ही टीमों में बहुत सारे खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, इसलिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा ये मुकाबला, बिकॉज दोनों के कप्तान बदल चुके हैं, खिलाड़ी काफ़ी नए आ चुके हैं, तो जो सीनियर खिलाड़ी बच गए हैं उन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इन दोनों टीमों के तरफ जो देखें हेड टू हेड पर नज़र डालें, तो अब तक जो है चार मुकाबले हुए, तीन मुकाबले दुबई कैपिटल्स ने जीते हैं और एमआई एमिरेट्स ने सिर्फ एक जीता है। एमआई एमिरेट्स के लिए एक सिरदर्द कम ये है कि उन्हें क्वालिफाई करने की चिंता नहीं करनी, वो क्वालिफाई कर चुके हैं। बिल्कुल, दुबई कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में नंबर चार पर जरूर है, लेकिन उनको अभी भी वो अपनी पोजीशन जो है पुख्ता करनी है, वरना नंबर पांच की टीम जो है उनको ओवरटेक कर सकती है। इसलिए एमआई एमिरेट्स के खिलाफ जीतना उनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्क्वाड पर जब हम नजर डालते हैं तो ये बड़ा जरूरी है समझना कि इस टूर्नामेंट के दौरान काफी सारे खिलाड़ी आते जाते रहे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो पिछला मुकाबला हुआ था वो दुबई कैपिटल्स ने जीता था। दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। एमआई ने 20 ओवर में 159 रन बनाए और फ्लेचर और वसीम मोहम्मद की बेहतरीन बल्लेबाजी थी, लेकिन उसके बाद गुरबाज और जेक फ्रेजर मैकग ने जो धुनाई की उसमें तो 16 ओवर में ही दुबई कैपिटल्स ने यह मुकाबला 7 विकेटों से जीत लिया था। देखिए, काफी नाम जो यहाँ पर है स्क्रीन पर वो काफी नाम नहीं है जी, होल्डर नहीं है, चमीरा नहीं है और गुरबाज नहीं है, गुरबाज नहीं है, अखिल हुसैन नहीं है, निकोलस पुरन, रॉबिन पॉवल नहीं है, तो काफी लोग नहीं है, तो स्क्वाड पर नजर डालते हैं एमआई एमिरेट्स के, तो पता चल जाएगा कौन कौन नहीं है। अभी देखिए कप्तान बदल चुका है, वहां पर हमने नाम नहीं बदला पर तस्वीर बदल दिया है। और यहाँ पर जो है निकोलस पुरन मौजूद नहीं है, टिम डेविड नहीं है और वहां पर कोसल किरण पलाड़ आ गया है टीम में, तो काफी बदलाव हुई है यहाँ पर इस लाइनअप में। फजल फारूकी भी नहीं है, वो भी अखिल हुसैन भी नहीं है, अखिल हुसैन भी नहीं है, तो काफी ज्यादा बदलाव हुआ है इस स्क्वाड में अब, तो इसलिए और भी दिलचस्प हो जाएगा ये मुकाबला। तो पर बल्लेबाजों पर नजर डालें, बिल्कुल देखते हैं एमआई के लिए कुशल परेरा रहे हैं बहुत जबरदस्त, बिकॉज वो पहले सुपर सब की तरह आते थे, अब वो प्लेइंग 11 में अभी आ चुके हैं। उसके साथ निकोलस पुरन नहीं है, वसीम मोहम्मद का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कुशल परेरा, वसीम मोहम्मद और आंद्रे फ्लेचर, इन तीनों पर ही इनकी पूरी जिम्मेदारी है बल्लेबाजों की। बिल्कुल, इनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी क्योंकि निकोलस पुरन जो कप्तान थे शुरुआत में वो नहीं है अब टीम में, तो इन्हें आगे लेके जाना पड़ेगा इस कहानी को। पर मुझे लग रहा है कि कुशल परेरा को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, अनुभव उनके पास भी काफी है, तो बहुत दिलचस्प हो जाएगा देखना कि किस किस तरह से एमआई एमिरेट्स अपने बल्लेबाजी को मैनेज करता है। गेंदबाजी पे चलिए एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि आपने कई सारे नाम लिए वो अब मिसिंग है, और अकील हुसैन ने गेंदबाजी में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, फजल फारूकी ने किया था, क्योंकि ट्रेंड बोल्ट के साथ इनकी जोड़ी अच्छी जमी थी। तो टॉप विकेट टेकर्स कौन है एमआई के? बिल्कुल फजल फारूकी 17 विकेट के साथ, और इसमें से भी तीन खिलाड़ी नहीं है, हालांकि वकार सलाम खेल ने जो जज्बा दिखाया है, एक नए नवेले खिलाड़ी होकर भी उन्होंने बहुत ही एक कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट निकाले हैं। बिल्कुल, और अखिल हुसैन ने 9 विकेट निकाले थे, तो अब तो तय हो गया कि ट्रेंट बोल्ट और मोहम्मद रोहित, इन दोनों को ही अब और वकार सालम के लिए, इन तीनों को मिलकर गेंदबाजी को संभालना है। जी जी बिल्कुल, लेकिन ये गेंदबाजी कैसी होगी दुबई कैपिटल्स के खिलाफ ये देखेंगे कौन से तीन खिलाड़ी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद वसीम और कुशल परेरा, मुझे लग रहा है वकार सालम खेल, ट्रेंट बोल्ट और कुशल परेरा, इन तीनों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी एमआई एमिरेट्स के लिए। चलिए दूसरी तरफ दुबई कैपिटल्स पर नजर डालते हैं, जबरदस्त जीत के बाद आएंगे इस मुकाबले। बिल्कुल, और देखिए डेविड वार्नर कप्तान अब नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ी बदल चुके हैं, रॉबिन पावल नहीं है, सैम बिलिंग्स कप्तान बन चुके हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज नहीं है, जेसन होल्डर नहीं है, तो लेकिन फिर भी इन्होंने पिछला मुकाबला था जो था वो सिकंदर रजा के बलबूते पर जीता और नंबर चार पर आ गए पॉइंट्स टेबल पर। बिल्कुल, और सिकंदर रजा का वो उनके अनुभव का पूरा पूरा फायदा उठाया, और देखिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की फेहरिस्त अगर नजर डालें, सिकंदर रजा ही टॉप पर चल रहे, 263 रन बना दिए हैं, फिर कप्तान है सैम बिलिंग्स 228 रनों के साथ, नीचे के तीनों खिलाड़ी मौजूद नहीं है अवेलेबल नहीं है। सब हमने देखा जो मुकाबला डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ भी हुआ था उसमें भी सिकंदर रजा और सैम बिलिंग्स को ही ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी के जो खिलाड़ी है रहमानुल्लाह, डेविड वार्नर और फ्रेजर, ये इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए वापस जा चुके हैं, यानी कि सारी जिम्मेदारी आन पड़ती है सिकंदर रजा और सैम बिलिंग्स पर।
तो ये तो थी बल्लेबाजी की बात, लेकिन दुबई कैपिटल्स के लिए गेंदबाजी की क्या हालत है ये देखते हैं। हालांकि रोल ऑफ एंड मर्वी की बेहतरीन गेंदबाजी रही है और टॉप विकेट टेकर्स कौन है आइए देखते हैं। दुष्यंत चमीरा है यहाँ पर 10 विकेटों के साथ, सिकंदर रजा का ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, रोल ऑफ वैंडमर्व और स्कॉट कुगले ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है 4 मैचेस में। बिल्कुल, तो सिकंदर रजा, रोल ऑफ वैंडमर्व, इन दोनों को ही मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से उन्होंने डेजर्ट वाइपर्स के सामने भी आकर गेंदबाजी की, कस के गेंदबाजी की और जबरदस्त दबाव बनाया, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दुबई कैपिटल्स के लिए जो 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे, सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स और रोल ऑफ वैंडमर्व। सेम, बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे लगता है कि दुबई कैपिटल्स एमआई एमिरेट्स को मात देंगे, आपको क्या लगता है? मुझे भी लग रहा है कि दुबई कैपिटल्स मात देंगे। ओहो दोस्तों, आपको क्या लगता है बताइएगा, एमआई एमिरेट्स या दुबई कैपिटल्स? कमेंट करें इस वीडियो पर, साथ ही में लाइक करें, शेयर करें और डिजिटल टू स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर दें। ये था हमारा प्रेडिक्शन शो एमआई एमिरेट्स और दुबई कैपिटल्स के बीच में होने वाले मुकाबले के बीच में। चंद्रेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोस्तों आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।